नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी उपचार में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी जिसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं और वो दिव्य धारा है। दिव्य धारा कैसे बनती है और वो किस किस काम में आती है। दिव्य धारा अगर आपके घर में है तो समझ लीजिए कि आपको सर दर्द होता है तो भी काम आएगा, अगर आपको बुखार हो रही है तो भी काम आएगा, अगर आपको कहीं पर दर्द कर रहा है तो भी काम आएगा। मतलब बहुत सारे एक दवा और सैकड़ों बीमारियों में तो काम आने वाला है। तो मैं आज आपको दिव्य धारा या अमृत धारा कैसे बनते हैं और ये बहुत कमाल की है, ये बहुत कारगर है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग है। इसकी सहायता से ये ऐसा एक फॉर्मूला है जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। आप सफर के दौरान कहीं जा रहे हैं ये बहुत काम आएगा। हर बीमारी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं अचानक दर्द कर लिया, अचानक कहीं चोट लग गई, सिर्फ जहां पे कट जाए वहां पे मत इसको यूज करिएगा, नहीं तो जलन होता है इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें तत्व मिलते हैं जो जलाते हैं। ज्यादा जलन करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा मगर जलेगा। हाँ, छील जाए तो आप लगा सकते हो, वहां पे फूड बैरी हो वहां पे आप थोड़ा सा इसको यूज न करें। यहाँ पे चोट लगने पर खासकर यूज कर सकते हैं, वो सर दर्द का हो, अगर आपको सर्दी हो रही है, आपको कफ है, आपका नाक बंद हो गया है, आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बोला ना कि मैं जितना भी बोलूँ कम है, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दिए कहाँ कहीं आपको काम आएगा। आप इसको बनाइए, आप इसको अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। आप घर पर कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको भीम सैनिक कपूर लेना है। कपूर जो आप पूजा सामग्री में हवन में आप कपूर डालते हैं, जो टिकिया होती है वो भी कपूर बोलते हैं, मगर उसको नहीं लेना है। वो भी कपूर है मगर उसको नहीं लेना है, भीम सैनिक कपूर आता है उसको लेना है। वो पतला पतला सा आपको चौड़ा चौड़ा और पतला सा रहता है। आप जाकर के जो पूजा के सामग्री जो रखे हुए हैं उनके दुकान में मिलेगा। आप भीम सैनी कपूर याद रखिए, भीम सैनी कपूर में आपको यहाँ पे एक छोटा सा फुटेज में वीडियो आपको उसका मैं इमेज में डाल दूंगा, आपको दिखा देता हूँ भीम सैनी कपूर कैसा होता है। वो आपको लेना है, वो कितना लेना है, थोड़ा सा बनाना है, जितना भी सामान बोल रहा हूँ ये टोटल बराबर मात्रा में आएगा। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं भीम सैनी कपूर तो 50 ग्राम आपको अजवाइन भी लेना है। अजवाइन इसको आपको पाउडर बनाना है। अजवाइन जो हम लोग मसाले में भी यूज करते हैं, अजवाइन का भी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, अजवाइन से हम लोग क्या क्या दवा का काम ले सकते हैं। घरेलू मैं जो भी बताता हूँ स्वदेशी है, एक घरेलू उपचार। आप घर बैठे अपने शरीर का कोई भी बीमारी हो, कितना भी पुराना बीमारी हो, कितना भी डेंजर बीमारी हो, आप उसके घर बैठे इलाज कर सकते हैं और उसका अपने रोगों पर काम पा सकते हैं। तो आप अमृत धारा बनाने के लिए आपको भीम सैनी कपूर अगर 50 ग्राम या 25 ग्राम तो इतना ही मात्रा में आपको अजवाइन भी लेना है पाउडर बना करके। अजवाइन को मिक्सी में नहीं पीसना है, अजवाइन को कूट करके, देखिए मैं कुछ भी बताता हूँ तो आप मिक्सी में या चक्की में पिसा करके नहीं लेना है, आप उसको कूट करके बनाना है, क्योंकि कूट करके बनाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका पावर जो है वो स्ट्रांग होता है, बढ़ता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। और वही आपको कूट करके कूट लीजिए, ओखल में या आपका मार्केट में मिलता है जिसमें आप अदरक उदरक कुछ भी मसाला आप बनाते हैं उसमें आप कूट लीजिए, नहीं तो सिलबट्टा है उस पर भी आप कूट लीजिए, आप कूट करके रखिए। उसके बाद आपको लेना है पिपरमेंट बोलते हैं, जिसको पुदीना सत भी बोलते हैं, पुदीना सत। वो पान के दुकान पे जो पान लगाते हैं वो एक ठंडाई, वो ठंडा लगता है, मुँह में रखेंगे तो आपको पानी हो जाएगा, ठंडा लगता है, ठंडाई भी उसको बोलते हैं, पुदीना सत भी बोलते हैं, ठीक है, उसको पीपरमेंट भी बोलते हैं। तो आप जो समझ सकते हैं वो आप जाकर दुकान से लाइए, उसको भी बराबर मात्रा में, जितना कपूर भीमसेनी कपूर ले रहे हैं उतना ही अजवाइन पाउडर लेना है, पाउडर बना करके लेना है, अजवाइन को पाउडर बना के लेना है, उतना ही ये आपको पीपरमेंट लेना है, बराबर मात्रा में रखिए। इसको भी आप ये डालेंगे, इसको देखने में सादा सादा सा रहेगा और इसको खुले में छोड़ेंगे तो पानी बन जाएगा। ध्यान रखें इसको आप बंद डब्बे में ही करके लाएं, और
जब इसको तीनों हमारे पास बराबर मात्रा में आ गए तो कोई कांच का जार लीजिए, कांच का ही जार होना चाहिए, कांच का ही डब्बा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कांच के जार में ये तीनों को पाउडर बना करके, एक पुदीना सब जिसको पिपरमिंट बोलते हैं, इसको पाउडर करने की जरूरत नहीं है, इसको हाथ से भी दबा देंगे ना ये पानी बन जाएगा। तो आप एक ही जार में ये तीनों को मिला दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो थोड़ा सा इसमें लौंग का तेल डाल सकते हैं। लौंग का तेल अगर नहीं मिले तो मैं बताता हूँ, गाय का पिसाव का अर्क आता है, गाय गौ अर्क जिसको बोलते हैं, पिसाव से उसको अर्क बनाते हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अर्क कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी पत्ते का, किसी भी फूल का हम लोग अर्क निकालते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्क कैसे निकालते हैं। फिलहाल वो सब्जेक्ट दूसरा है, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, मगर इसको एक कांच के जार में इसको रख दीजिए और इसको 24 घंटे तक कम से कम छोड़ दीजिए, 24 घंटा से 36 घंटा तक इसको बंद करके वैसे ही रखिए कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे ऐसे पानी में तब्दील होना चालू हो जाएगा। ये भीम सैनी कपूर और आपका पिपरमेंट ये पानी बन जाएगा और पानी बन करके ये जो अजवाइन है उसमें मिलेगा और उसका जो रस होता है, उसका जो तत्व होता है, ये उसमें घुल करके पानी जैसा बन जाएगा और ऊपर लेवल पे आ जाएगा। इसको कम से कम आप 24 से 36 घंटा तक छोड़ दीजिए, यूज नहीं करता है इतना तो 48 घंटा आप छोड़ सकते। छोड़ने के बाद अब जो वो ऊपर पानी जो लिक्विड आ गया, आप उसको आराम से किसी और दूसरे कांच के डब्बे में या किसी भी पात्र में आप उसको लेकर के निकाल लीजिए, या उसको पहले तो ऊपर वाले को किसी छोटे से कांच का बर्तन जिसमें वो पूरा पानी आ सके ले करके रख लीजिए। उसके बाद ये जो आपका इसका सार तत्व जो बच गया, आपका अजवाइन का जो बच गया, उसमें से जो निकलने के बाद जो बच गया, उसको भी कोई कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा, अच्छा साफ कपड़ा ले करके और उसको गाड़ करके दाब करके उसको निकालिए, तो उसमें से भी जो बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा, उसको भी कांच में मिला करके आराम से रख लीजिए। ये बना आपका अमृत धारा। ये अमृत धारा दोस्तों आपको कभी भी सर दर्द हो आप इसको लगा सकते हैं, आपका बदन में कहीं चोट लग गई, बदन में कहीं भी दर्द है, कहीं भी दर्द है, सिर्फ आपको लेकर के वहां पे थोड़ा सा अप्लाई करना है और उसको ज्यादा रगड़ना नहीं है, उसको सिर्फ आप छोड़ दीजिए। कफ हो रहा है, नाक बंद है, सांस नहीं ले रहा, सर्दी हो रही, सिर्फ नाक में इसको खींचना है। विक्स इनहेलर कैसे लेते हैं, ये विक्स इनहेलर का बाप है, जो मार्केट से आप विक्स इनहेलर लेते हैं ना उसका एक बाप है, क्योंकि इसी को कॉपी करके वो बनाया गया है, मगर ये जितना पावरफुल स्ट्रॉन्ग है वो आपका कतई नहीं है। आप चाहें तो आप एक बार बना करके देख लीजिए, एक बार यूज करके देख लीजिए, ये बहुत महंगा भी नहीं है, आपके 100 रुपया में ये सब चीज आ जाएंगे, 100 से 150-200 तक आ सकते हैं। आपको कितना लेना है पहले मात्रा वो आप निकाल लीजिए, किसी भी पंसारी की दुकान में जाइए, ये आपको मिलेगा, मगर कपूर भीम सैनी कपूर ही होना चाहिए, कपूर का टिकिया मत लाइएगा, नहीं तो बाद में आप लोग कमेंट में लिखते हैं वो कपूर कैसा होता है, नहीं मिलता है, हम एक इमेज डाल देंगे आपको, फोटो चीज दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, फिर आप हमको कमेंट में पूछिए। और कुछ भी हो आपको बुखार आया, अब इसको यूज करने का मैं तरीका बता दूँ, अगर कोई बच्चा है उसको बुखार आ गया तो आप छोटा सा गुड़ भी समझते हैं, बहुत सारे कमेंट में भी पूछते हैं कि गुड़ कैसा होता है, क्या होता है, मालूम नहीं है, जिसको गुड़ मालूम है, जिससे शक्कर बनता है, गन्ने का रस को निकाल करके गुड़ बनता है, वो गुड़ आपको लेना है, थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और उस पर 1 बूंद से 2 बूंद उसको टपकाइए और टपका करके बच्चे को या किसी को भी बुखार है उसको दे दीजिए, वो अपना मुंह में ले लेगा, अंदर ले लेगा, उसको ले ले, उसके बाद देखिए एक दिन दीजिए, 2-3 टाइम दीजिए उसको, देखिए कितना भी पावर वाला बुखार हो, कितना भी बड़ा बुखार हो, कोई भी बुखार हो, अगर ये 2-3 दिन यूज कराएंगे भारी से भारी बुखार आप नहीं लेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कहीं भी इसको आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ कटने में यूज ना करिए क्योंकि कटने के बाद जलन होने लगता है, आपको दांत का भी दर्द है, दांत दर्द है तो आप दांत में भी थोड़ा सा कापूस रुई जिसको बोलते हैं उसको ले करके 1 बूंद इसमें से निकालिए और जहां पे दर्द है वहां पे रख करके दांत को बंद कर दीजिए।
कभी चोट लग गई, आप कभी गिर गए, वहां पे आप इसको लगाइए, आपका देखिए दर्द खत्म हो जाएगा। आपका हड्डी तक का दर्द कर रहा है, आपका मांसपेशियां दर्द कर रही है, आप इसको लगाइए। आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आप उसको लगाइए। ये दिव्य औषधि है, मैं बोला ना कि दिव्य धारा है, दिव्य धारा, अमृत धारा, इसका नाम है अमृत धारा, दिव्य धारा। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, और मार्केट में मिलता भी है, मैंने एक बार देखा था, अपने एक कंपनी है हमारे, बहुत ही फेमस कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर उनका भी मैंने बोला कि वो तो बहुत अच्छे ब्रांड है और बहुत अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं कंपनी का। मैंने एक बार यूज किया, बोला कि एक बार लेकर देखता हूँ, और वो हमको मात्र 35 रुपये में मिला था, एक इतना बड़ा था, वो प्लास्टिक का ही सीसी में इतना बड़ा था, और वो 35 रुपये में मिला। तो ही मैं समझ गया कि जब ये 35 रुपये में ये इतना बड़ा मिल रहा है, तो ये बिल्कुल डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट ही था। देखिए वो भी काम करता है, मगर उनका अलग कंपनी है, अलग ब्रांड है, उनको बनाने का तरीका अलग है, उसमें और क्या क्या डाल देते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा महंगा भी है, आप खरीदने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। इसमें सबसे महंगा चीज ठंडाई जिसको बोलते हैं, पीपरमिंट, वो महंगा है। भीमसेनी कपूर थोड़ा महंगा है, अजवाइन तो आपको 10 रुपये में ही बहुत सारा।